परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। और एक बार प्रभु के सन्निधि में आने के लिए प्रभु ने हमें एक बार किया, इसलिए आशा भरा दिल से हम प्रभु की ओर देखेंगे। इन दिनों में अपने कलीसिया में कुछ क्वांटिटी में बढ़ोतरी हो रहा है, मुझे लगा मतलब लोग ज्यादा आ रहे हैं, कोविड-19 मदद किया उसके लिए, और जो लड़ाई की बातें हो रहा है यूक्रेन में वगैरह सब, वो भी अंदर के अंदर एक भावना उत्पन्न करता है, शायद शायद ज्यादा नहीं है। इसलिए हमारे बढ़ते आने वाले लोगों के बीच में एक सिस्टम डालने के लिए मसीह मंडली में कैसे आगे बढ़ना है, एक सिस्टम रखे आगे बढ़ना है करके बोल के हम लोग सोच के कुछ बातें आपको आज शेयर करना चाहता हूं। स्थानीय कलीसिया लोकल चर्च में कैसे कैसे चलना चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ एडजस्टमेंट। अगर आप देखेगा तो मेरे पॉकेट के ऊपर एक बैज दिखाई देगा, राजू तो कर दी है, ये कुछ जवाबदारी देने वालों को देने के लिए, ताकि सिर्फ ऑर्गेनाइज समीकृत तरीके से एक काम को आगे बढ़ाना करके दिया। आए मैं कल प्रार्थना करें। अब आपदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्रूस की निशानी में हमें आगे बढ़ना है, कल जन्मे हुए बच्चों के लिए सब परमेश्वर के वचन का दूध पीकर आगे बढ़ना है, अभ्यास करते करते पक्के ज्ञानियों के लिए सब हमें आगे बढ़ना है। हम स्थिर रहने के लिए नहीं बढ़ने के लिए बुलाए गए, हर परिस्थितियां आप हमारे सामने पेश कर रहे हैं हमें बढ़ाने के लिए। इसके लिए आज हम आपके सामने आपका डिसिप्लिन पवित्र आत्मा का अगुवाई के अंदर समर्पित हो गया है। धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बातें के लिए हम आगे बढ़े, प्रभु यीशु के नाम पे पिता आमेन। प्रेरितों का किताब पहला अध्याय का 6वां अध्याय का 1-7 स्क्रीन में दिखाया, आपको भी देख सकते हैं, इसलिए मैं पढ़कर सुनाऊंगा। उन दिनों में जब चेले की संख्या बहुत बढ़ने लगी, दैट इज व्हाट आई टोल्ड, तब यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। कंप्लेन तो आना ही है, यीशु मसीह ने बोला परीक्षाएं आना ही है, लेकिन हमें उसको पार करना है। मतलब समस्याओं से आगे बढ़कर जाने के लिए कोई भी समस्या आएगा तो हमारा प्रमोशन का एक अवसर मिला है, कड़क समस्या है तो IAS एग्जाम। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। ये मेरे अंदर कुछ दिनों से लग रहा था, राजू भी इधर उधर सरा घूम के काम करने के लिए जा रहा है, इसलिए अपना कलीसिया सिस्टम चलते रहने के लिए एक ऑर्डर की जरूरत है करके मालूम पड़ा। इसलिए राजू ने थोड़ा दिल और दिमाग और प्रार्थना लगाया, मुझे भी बताया, इस तरह हम लोग कुछ 13-14 जवाबदारियां आज आपको बताने वाले हैं, कुछ उसके बारे में बाइबल के आधार पर बताने के बाद राजू उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताएंगे। वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे, इसका मतलब खिलाने पिलाने के अंदर जो 7 डीकन्स को उन्होंने नियुक्त किया था, उन्होंने काफी काम किया होगा। खिलाना पिलाना है तो खिलाने का आइटम बनाना भी पड़ेगा ना, खरीद के लेके आना भी पड़ेगा ना, क्या क्या है करके देखना भी पड़ेगा ना, इसलिए काफी आइटम्स इन्वॉल्व है। इसलिए हे भाइयों, अपने अपने में से 7 सुना पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परमेश्वर की कलीसिया में कुछ काम करने वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना जरूरी है। अगर आप पाया नहीं है तो आपको काम जिस करने से काम तरीके से करना है करने को हो जाए। मुझे एक चीज केस याद आ रहा है, जब केरला में एक बड़ा कन्वेंशन चल रहा था, उधर शामियाना डालने के लिए, खंबा बनाने के लिए खट्टा खोद रहे थे, बहुत से लोग काम करते हैं। एक लड़का काम करते के लिए खट्टा खोदने के लिए ज्यादा टाइम लेता था, उधर का पास्टर सीनियर पास्टर है, उसको पूछा तू पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, बोले नहीं पाया, बोला उठ तेरा आइटम उठा ले बाहर जाओ। उसको बाहर गया, पंगल का शामियाना बनाने के लिए खट्टा खोदने वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया नहीं था, तू लायक नहीं, ये बोझ मैं आपके अंदर डालता हूं।
मांगने वाले को क्यों पवित्र आत्मा देगा परमेश्वर तैयार। अगर आप दिल से बातों को मांगकर लेने के लिए तैयार है, कुकुड़ाना छोड़कर वायदाओं को अपनाने के लिए आप तैयार है तो आपको मिलेगी। मतलब इधर खाना परोसने के लिए अपनों में से 7 सुना पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, इधर भी कंडीशन हुई है, परंतु हम प्रार्थना में और वचन की सेवगाई में बने रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। तो हम सोचते हैं हम लोग जवाबदारियां बांटने के लिए, वरदानों के बारे में आगे बढ़ाने के लिए सब करने वाली बातें मंडली के लिए अच्छा लगेगा। और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा को परिपूर्ण था, और फिलिपुस, पुरखरुस, निकनोर, तिमोन और परमिनास और अंतियोकिया वासी निकलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चोरी। इधर जब वो टाइम में 7 लोगों को जवाबदारी बांट के अगुवाई करने के लिए चुन लिया था, इधर हम लोग 13-14 बातों को सोच के रखा। आप में अधिकांश कई लोगों को इन्वॉल्व करके इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। मतलब प्रभु हम इस तरह की काम करने के लिए इन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, इन लोग अगर तैयार है तो हम उनके लिए प्रार्थना करता करके बोल के प्रार्थना भी करेंगे। आप परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों का गिनती बहुत बढ़ती गई। अब सब मेरे पीछे बोलिए, बहुत बढ़ती गई। इसका इंग्लिश वर्ड क्या मालूम है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में फर्क है। एडिशन क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मल्टीप्लिकेशन कैसा है? 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसा मल्टीप्लाई। जब लोग काम करना शुरू कर दिया, सिस्टमैटिकली करना शुरू कर दिया, कलीसिया बढ़ते नहीं बहुत तो बढ़ते, अधिकांश से बढ़ते या मल्टीप्लाइड होते, हर एक काम करने वाला बन जाता, तब फल आने वाला हो जाता है। और याजकों का एक बड़ी समाज उस मत को मानने वाला बना। मतलब का बराबर प्रतिफल लाता है करके देखे। पहला कुरिन्थियों 12:6 में 7-11 में कुछ वरदानों के बाद 9 प्राइमरी गिफ्ट्स के बारे में बताया, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इसमें आपको क्या समझ में आया? आप भी है क्या उसमें, या आप केवल आउट? अभी छाती में आकर बोले, मेरा बाइबल कहते हैं हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इसका मतलब मुझे भी पवित्र आत्मा का प्रकाशन, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट दिया गया है। एक या एक से ज्यादा मुझे मिल गया है, मुझे वो चमकाना है। हालेलुया। क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे के आत्मा के द्वारा अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास और किसी को एक आत्मा के चंगा करने का वरदान दिया जाता है और किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। 9 बेसिक वरदानों के बारे में बताया। आगे भी है वरदान। 11 वचन में लिखे रखा है, परंतु सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है बांट देगा। देने वाला पवित्र आत्मा है। मैं शकेना प्रोग्राम एक चीज देखा था, गिफ्ट के बारे में सिखाने के बाद आपको कौन गिफ्ट चाहिए उसके लिए खड़ा हो जाओ, आपका गिफ्ट के बारे में बता दो करके बोलेगा तो अधिकांश लोग वर्शिप लीडिंग करके गिफ्ट मांगते हैं। में सबके सामने आ रहा है, चमकने वाला हो जाता है ना। मतलब ये बात नहीं, जो जो वरदान मिले, तरह अभी 9 आइटम देखा है। ये 9 आइटम में विश्वास है, ज्ञान की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं, भविष्यवाणी की बातें हैं, आत्माओं के परखने की बात, अनेक प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताना, ये सब इन्वॉल्व है। इसलिए आपको इसके ऊपर सिर्फ मेडिटेट करना है। और पवित्र आत्मा मेरे लिए आपने तैयार किया वरदान कौन सा है मुझे समझा दो करके आपने एप्लीकेशन डालेगा, आपको मिलेगा। पवित्र आत्मा बोलेगा, बेटा तेरे लिए एक गिफ्ट अच्छा है,
जनरली परमेश्वर के रास बोलने वाला एक सिस्टम है। आपको कुछ चीजों को प्रभु के लिए करने के लिए अंदर बोझ आता है, बर्डन। मतलब बीमारों को देखेगा तो प्रभु क्यों ना चंगा करता है, शायद आपको बीमारी को चंगा करने का वरदान दिया होगा। आपके पास सिर्फ पहचानना है, परखना है, पवित्र आत्मा से परमेश्वर से बात करके मेरा गिफ्ट गाय करके देना, क्योंकि ये सब प्रभावशाली कार्य एक आत्मा कराता है जिससे जो चाहता है वो बांट देगा। हम मांगा करके हमको हीलिंग का नहीं तो मुर्दे को जिलाने का देने वाला है ही नहीं, उनको सही लगा वो समझाएंगे हमको। हम नम्रता में उनके साथ हाथ के नीचे बैठने वाला बनेगा तो हमको समझाएंगे, बेटा तेरे लिए एक गिफ्ट अच्छा है, ये बात प्रभु ने हमको दिखाएंगे। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय में दो और गिफ्ट के बारे में जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए दिया हुआ लिखा है। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह का देह हो, हम सब मिलकर बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले। एक बात की सब चार पांच बताए मैं इधर नहीं लेता है, ये दो आइटम उपकार करने वाला, हेल्पिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एक शरीर के अंग के जैसा काम करना है, एक शरीर का अंग आपस में झगड़ते नहीं, इधर काम करने के लिए आने वाला दो जन आपस में झगड़ते और अविश्वासी नया आने वाला देख के चकित हो गया तो गड़बड़ है। एक शरीर का अंग करके आप काम नहीं करते, ये होना ही है। ये शरीर का अंग बोलेगा तो सीधा आप ये हाथ को देखो, ये हाथ को देखो, यह है खाना खाने वाला और यह है टॉयलेट साफ करने वाला, ये दोनों के बीच में कोई गड़बड़ है। जब परमेश्वर को उपासना करने के लिए आएगा तो ये दोनों कैसा करता है, ऐसा पकड़ता है, ये बोलता नहीं, ये भंगी हट मैं अकेला जाऊंगा करके बोलता है, नहीं बोलता है। यही है शरीर का अंग करके मतलब, ये बात आपको समझना है। मेरे बहन को, मेरे भाई को मेरे जैसे गिफ्टिंग मिला है तो और एक साथ काम करने का पौलुस बरनबास की जैसा जरूरत नहीं है तो अलग अलग एरिया में मिल सकते हैं, अलग अलग काम में मिल सकता है, अलग। और परमेश्वर ने कल से आए उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, उपकार करने वाले, हेल्पिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हेल्पिंग के बारे में मैं जब कभी सोचता है मुझे मिलसन दोनों का नाम याद आता है। उन्होंने एक दिन बोला हुआ है, मेरा पापा मम्मी ने उनकी बचपन में इतना आशीष पाया लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ दिया नहीं पास्टर, इसलिए मैं कुछ ज्यादा देना चाहता। उनका दिल से कुछ निकला हुआ एक वेडी है, हेल्पिंग एटीट्यूड, प्रॉब्लम है क्या करके ढूंढ के निकाल के हेल्पिंग करने वाले। एडमिनिस्ट्रेशन इज अनदर, बातों को चलते चलते देखे देखे आपको मालूम पड़ेंगे कुछ तो गड़बड़ है। जो अभी बच्चों की बात बोला, हमारा बच्चे बाहर जाके खेलना अच्छा नहीं, हमारा बच्चा मोबाइल लेके अंदर बैठना अच्छा नहीं, थोड़ा मस्ती वगैरह करने दो लेकिन उनके ऊपर डिसिप्लिन करने के लिए आत्मिक परिवार हो गया, हमें जवाबदारी की जरूरत है। आगे फिर का चार अध्याय का 11-12 वचन, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को उपदेशक और रखवाले, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है। अपोस्टल, प्रोफेट, इवेंजेलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये भी आपको ढूंढना है मेरे अंदर योग्यता क्या है। और प्रार्थना करते रहेगा तो पवित्र आत्मा आपको जबरदस्त समझाएंगे, बेटा तेरा कॉलिंग यही है, एक से ज्यादा कॉलिंग आप पा सकते हैं, इसलिए आपको एक करना है। दूसरा पत्रोस का पहला अध्याय 10वां वचन में मेरे घर में तुम्हारा बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ ताकि तुम ठोकर ना खाओ। तुम्हें जिंदगी में ठोकर नहीं खाना है, तुम्हारी बुलाहट क्या है करके मालूम पड़ना है। राम बाबू आके प्रचार कर रहा था उधर 40,000 लोगों के सामने, उधर स्टेज में आके गाना गाने के लिए बहुत से लोग आते थे। एक पास्टर ने मेरे मुंह पे ऐसा बोला, एक दिन 4 दिन का सभा था, प्रार्थना लीडिंग करने के लिए मुझे नहीं दिया तो वो बड़ा बड़ा पास्टर को मैं पकड़ के मारू। एक पास्टर ने मुझे बोला थोड़ा मेल मिलाप कर दिया, उनको दे दिया। इस तरह की बातें होना, राम बाबू का प्रचार उधर होने दे, हजारों लोग उत्थान पाने दे, हजारों लोग चंगा पाने दे, हजारों लोगों को चमत्कार मिलने दे, लेकिन वो कोने पे बैठकर गाड़ी पार्किंग करने के लिए खड़ा होने वाला अपना इसके जैसे एक लड़का, राम बाबू को जो प्रतिफल मिलेगा वो उसको भी मिलेगा करके बाइबल में लिखे रहेगा। समझने को सूर्य करेंगे परमेश्वर को। मत्ती का समाचार 10वां अध्याय का पढ़िए बेटा, अफोर्डेबल पढ़िए।
एक भविष्य वक्ता होने के वास्ते उसको आदर करने वाले को भविष्य वक्ता का प्रतिबल मिलेगा। जो भविष्य वक्ता को भविष्य वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्य वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। किसने बोला? मतलब प्रतिफल देने वाला बोलता है, मैं कैसा प्रतिफल बांटने वाला, ध्यान रखो। मतलब इसलिए आप इधर खाना पकाने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, इधर अरेंजमेंट करने के लिए या प्रचार करने के लिए, गाना गाने के लिए, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आपका दिल इसके साथ जुड़ा हुआ है तो जो सबके लिए मिलने वाला प्रतिफल का 5,000 किलो सोना है तो उसमें आपको भी आपका प्रॉपर हिस्सा मिलेगा, क्योंकि देने वाला विश्वस्त है, न्यायाधीश है। ये बात आप याद रखो। इससे पवित्र आत्मा पवित्र लोग, ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री इसीलिए रखा है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह का उन्नति हो। पवित्र लोगों को अपने जगह पे जवाबदारी पे खड़ा करने के लिए फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री रखा, इक्विपिंग द सेंट्स फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री। इसका मतलब हर एक संत को, संत का मतलब क्या है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता करके, प्रभु यीशु को ग्रहण करके, उनकी आज्ञा पालन करके बापतिस्म तक लिया है तो नेचुरली यू कैन से आई एम अ सेंट, मैं परमेश्वर का संत हूं, मुझे परमेश्वर का काम करना है। आपको अथोलो की राज्य की अधीनता से परमेश्वर की राज्य की अधीनता में आकर रख लिया है, नया सृष्टि बना दिया है। आपको आपका काम करने के लिए अगुवाई करना, डायरेक्शन देना, यही है ये वाइवोल्ड मिनिस्ट्री का लोगों का जवाबदारी। अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजेलिस्ट, मास्टर, टीचर, याद रखो। दो बार बाइबल में लिखे रखा है, रेवलेशन 19 का 7 में लिखे रखा है, मेमना का विवाह पहुंचा है, उसका दुल्हन भी, आगे क्या बोल सकते हैं, दुल्हन को पास्टर ने तैयार किया, दुल्हन को सीनियर पास्टर ने तैयार किया, ऐसा नहीं लिखा। पढ़िए 19 सर। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं छाती में आकर के मेरे साथ बोलिए, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया है। मैं दुल्हन बनने के लिए निकल चुका हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है, मैं अपने आप को तैयार करता ही रहूंगा। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखो, हमें दिया हुआ काम हमें पूरा करना है और जवाबदारी पूरा करनी है। अभी मैं तीसरा पॉइंट में आना चाहता हूं, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, नंबर 2 गिफ्ट के बारे में। अधिक पढ़ाई है आपको, खुद को इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना। दशमांश के बारे में एक मिनट बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आगे बढ़ना है, हर एक लोग देने की बात के बारे में आपका दिल और पॉकेट खोलना ही, किसलिए, ताकि प्रभु की संस्था प्रभु के तरीके में चलते रहने के लिए। आप देने वाला निकलेगा योग्य दास से, सही तरीके से, ये नहीं करके आपको 50 रुपए मिला, 45 रुपए जाके चर्च में डाला तो आप भूखा बैठेगा। नो, एब्सोल्युटली नॉट, ये परमेश्वर का तरीका है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर एक काम से देने के लिए बोला है, ताकि परमेश्वर को उनकी बातों को मान लिया ये व्यक्ति, इसलिए उसको मैं डबल आशीष देता हूं। ये तरीका मैं परमेश्वर बोला ना, इसलिए मैं बार बार बोलने वाला, एक बार इधर गरीब से गरीब आ सकता है, लेकिन गरीब बनकर रहना मंजूर नहीं है, एडमिट नहीं है। आप गरीब बनकर रहता है तो गड़बड़ है आपकी जिंदगी में, आप उधारी का चक्कर में फंसते रहने वाला है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फंसते रहने वाला है, आपकी जिंदगी में गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, बदलना है। आगे हम देखेंगे देशवंश की पढ़ाई, परमेश्वर के लिए देने की बात की पढ़ाई कहां से शुरू हुआ। अब्राहम गिव टाइट्स मेलकीसेदेक, गुणपति का 14:18। तब शालोम का राजा मेलकीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाग मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। शालोम का राजा मेलकीसेदेक लड़ाई जीत के आया हुआ अब्राहम को मिला, तो अब्राहम का कहना है, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे
द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। बोलिए मेरे साथ, तब अब्राहम ने उसके सब वस्तुओं का दशमांश दिया। जीत के आया और आशीष देने के लिए परमेश्वर का दास आ रहा है, तब अब्राहम के दिल में आया इतना परमेश्वर मेरे लिए करता है तो कुछ करना पड़ेगा करके, पहली बार दशमांश करके वर्ड सुन रहे आप, हेलो, पहली बार दशमांश करके वर्ड बाइबल में अब्राहम के दिमाग से निकला। याद रखेगा क्यों, वो लड़ाई के लिए गया, लोत को जीत के आया और आ रहा है, तब परमेश्वर उस परमेश्वर का दास उसको मिलने के लिए आ रहा है, तब परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर बोला तू तेरा कमाई का अंश दे रहा है। वो खुद दिल से बताया हुआ बात है, इधर हम देखा हुआ, अगली बार कौन दिया हम लोग ये देखेंगे। अगला व्यक्ति उत्पत्ति का 28 का 18 से बढ़िया 28:18-22 दूसरा व्यक्ति दे रहा है। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम उसने लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, तब परमेश्वर मेरे संग रह कर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने पीने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। देखो अनुभव से अब्राहम का पोता बता रहा है तू इतना इतना मेरे जिंदगी में करते रहेगा तो मैं मेरा कमाई का दशमांश तुझे दे दूंगा करके अंदर से समर्पण कर रहा। याकूब कहां से निकला पे बात बोल, आप YouTube खोलेगा तो दशमांश देना गलत है, दशमांश मांगने वाला पास्टर को भगा दो करके बोलने वाला संदेश मिलेगा, आप धोखा खाएंगे इस तरह की बातों को सुनते रहेगा। बाइबल क्या बताते हैं, अब्राहम ने अपना मर्जी से जीवन में विजय दे दिया परमेश्वर को, धन्यवाद के तौर से दशमांश दे रहा। याकूब दशमांश दिया नहीं, मैं दूंगा करके परमेश्वर को वायदा कर रहा है, अगर तू मुझे मेरा बड़ा भाई से डर के मारे में भाग रहा हूं जान लेकर, मेरा जिंदगी बनाकर तू वापस मुझे लेकर आएगा। इसका मतलब दशमांश जिंदगी का सफलता के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया उनका एकलौता पुत्र को रख दिया स्वर्ग में, तुम जाके मरने दो करके बोले दे दिया, बेटा तू जाके उनके लिए मर जाओ। परमेश्वर देने वाला है, हम भी देने वाला होना चाहिए। लोग ऐसा कंप्लेन बोलते हैं ना हमारे बारे में, आप लोग बहुत पैसा देखे मोह को विलास करके लोगों को ला रहे, हम लोग पैसा देखे विश्वास में लाते नहीं है, लेकिन देने में कोई व्यक्ति का जरूरत को देखकर देने में हमारा दिल तड़पता है। मेरा अनुभव है, आज मैं कर्जदार इंसान हूं लेकिन जितना कर्जा मेरे ऊपर है उससे कई गुना में लोग मुझे देना है, इसलिए मुझे पता है मेरा बाप ने जो मुझे दे दिया है देने के लिए दिल, वो दिल से मैं देता ही दूंगा। दुनिया बोलने दो एक पास्टर कुछ अक्कल वाला है ही नहीं, उनको तेल मालिश करेगा कुछ भी मिलेगा कर्जो, सोचने वाला सोचते रहो, मैं देने वाला बाप का बेटा हूं देते ही रहूंगा। विश्वास के बारे में बोलते वक्त पास्टर आप इतना बड़ा बात करता आप विश्वास देता ही एक ही जन को पक्का जवाब है, मेरे घर वाले को छोड़ दो राजू मैं डबल देता हूं क्योंकि मुझे आपसे इतना हिम्मत से तुम्हारा पॉकेट का पैसा निकाल कर परमेश्वर का हिस्सा दे करके बोलना है तो मैं पाखंडी हो नहीं सकता, बोलेगा तो परमेश्वर मुझे पकड़ के गटर बना दे। तू बड़ा बड़ा बात करता हूं तू देता ही नहीं, मैं डबल ही देता हूं ताकि मुझे बोलने में कोई ये तकलीफ नहीं होगा। मालूम इस तरह करने के लिए प्रभु बुला रहे ताकि मुझे आशीष के बारे में दशमांश से ज्यादा पैसा देने वाला परमेश्वर को एडवांस देता है। जब आप देते वक्त वापस देते वक्त ब्याज के साथ देते बोलने की जरूरत नहीं है, आगे मैं वचन दिखाऊंगा। याकूब ने आशीष दे मैं तेरा दशमांश दूंगा करके वायदा किया। नंबर्स 18:24 तो यहोवा को उठाइए। नंबर्स 18:24 क्योंकि इज़राइली जो दशमांश यहोवा को उठाए हुए भेंट करके देंगे उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ, इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इज़राइलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले।
ये लेवी गोत्र का एक गोत्र को 12 गोत्रों में से खेती करने के लिए जगह दिया ही नहीं परमेश्वर। तुम खेती करना ही नहीं, भेड़ बकरे चलाने के लिए चला ही रहने दो, लेकिन खेती करना नहीं। ये 11 गोत्र जो कमाता है उसका एक हिस्सा देशवास लागे देगा, उसी में से तुम्हारा जिंदगी चलाना है। इसराइलियों के बीच में भाग लेवियों को नहीं दिया। पुराना नियम के सिस्टम में फुल टाइम मिनिस्ट्री करने वाले को अपना काम से जीना है करके परमेश्वर ने सिखाया है। ये नया नियम में यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस ने कॉपी करके बताया भी है। मैं जब सेवकाई करने के लिए निकला था, शुरुआत में 4-5 लोग ही थे कलीसिया में, तो मैं सोचा थोड़ा इंजीनियरिंग वर्क भी करेंगे और कंसल्टिंग काम कर दिया। लेकिन एक दिन कंसल्टिंग काम का मैं काम में लगे हुए एक व्यक्ति मुझे फोन किया, 5 मेंबर ही कलीसिया में, बोला पास्टर बहुत प्रॉब्लम इस तरह तक आ सकता है, मुझे एक कमिटमेंट करके देने का टाइम आ गया था इसलिए मैं गया ही नहीं। तब परमेश्वर ने मुझे बात किया, तू ये कंसल्टिंग का बात है ना छोड़ दो, अच्छा नौकरी छोड़ के बाहर निकला तो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा पकड़ के मत ले, ऐसा करके परमेश्वर ने हटा दिया। उसके बाद मैं कंसल्टिंग के लिए गया, तो बाइबल के बाइबल पढ़ते हैं प्रार्थना करते हैं, मेरा फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री आपको पता है, बाइबल पढ़ते रहने का, प्रार्थना करते रहने का, सुसमाचार बोलते रहने का, प्रेड वर्क के खाते रहने का, आराम से सोते रहने का, ये मेरा फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है। दूसरा क्या करो, भले करने को आता है वही करेंगे ना। ये 5 में मेरा 30 चले गया, मुझे बिल्कुल बोर नहीं लगा, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं लगा। मालूम जब कभी बोलता है परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए मैं दिल लगाता, प्रभु कुछ कम करता है तो बता दे, इसलिए दूसरों का करेक्शन मैं हमेशा सुनता हूँ। उस मामले में सतु जैसे लोग की काशिश है, मतलब मौके नहीं कि कुछ बोलने वाला तो है ना, सिर्फ चर्चा करने वाला तो है। इस तरह के लोग भी हमारे दोस्ती खाते में रहना जरूरी है। अच्छा, इधर हम देखा इसराइलियों में से लेवियों को खेती लेने के लिए परमिशन नहीं था, वो काम को दिया हुआ नहीं था। लेवियों का 27वां अध्याय का 30-32 वचन भी बढ़िया बेटा, और एक कुछ बात देखिएगा। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगा। मैं जब बिहार में जाएगा खेती में काम करने वाले को बोलने का, मुर्गी है ना घर में, अंडा कितना मिलता महीने में 50, 3 अंडा अलग रखने तो अंडे का पैसा दे। सिखाने का लोगों को, आगे मैं बताऊंगा क्यों सिखाना, अगर नहीं दिया तो परमेश्वर बोलता तुम मेरा बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं लेता है। मतलब तुम खाली आते हैं देखते हैं, मतलब इधर करने वाले का पॉकेट में कुछ है तो कोशिश करके देखेंगे करके आएगा तो आप खुद को फंसा रहा है। मैं फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको बोला इतना मैं देता हूं, आप भी फंसना नहीं चाहिए। मतलब आप जिंदगी विश्वास में आने के बाद 1-2 के अंदर आपका आर्थिक बात में से कमी कड़ी निकला नहीं है तो You are playing with God. आप परमेश्वर के साथ मस्ती कर रहा है, वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं। पवित्र ठहरे 31 बेटे बेटा। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। परमेश्वर बोलता 50% ब्याज भी भरते अगर छुड़ाना है। पास्टर ये माल में मैं दशमांश नहीं देता है, थोड़ा कड़की है, अगला महीने ये दशमांश का अमाउंट का आधा भी भर के दे देना। वो ये परमेश्वर का बेनिफिट है। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाला है उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। इसका मतलब एक बहुत बड़ा खेती वाला मेरे पास 500 बकरियां करके बोलेगा तो परमेश्वर बोलेगा गिनना शुरू कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो हमको अजीब लगेगा परमेश्वर करना क्यों चाहता है। 40-25 लाख लोगों को आसमान से मन्ना खिलाया परमेश्वर, चट्टान से पानी पिलाया परमेश्वर, समुद्र का लेवियातान को मार के पक्षी बना के इधर लाके मटर खिलाया परमेश्वर, उनको देने को नहीं होता। परमेश्वर एक सिस्टम बनाया, तुम लोग एक टीम बन रहा है। कल्याण की ये जगह पे रहने वाला ये कलीसिया में आएगा तो कुछ होता है करके बोलने वाला 7 लाख कल्याण वासियों के अंदर खबर पहुंचाने के लिए इधर कुछ होना चाहिए।
इधर आने वाला जिंदगी में जो भी बंधन है, जो भी मुसीबत है, समस्या है, बीमारी है, डॉक्टर बोला जाना लिंग लंबा नहीं रहेगा करके बोलेगा तो सीधा उनको चैलेंज करके लेने वाला होना चाहिए, तब मालूम पड़ेगा कि अपना परमेश्वर जीतने का कार्य करता है। इसलिए सब आइटम का हिस्सा, डाइट्स ऑफ एवरीथिंग, सबका हिस्सा परमेश्वर मांग रहा है। मतलब की का 3:6-10:11 वचन मिलता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं को यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार करता हूँ कि नहीं। देखो भंडार में, दशमांश भंडार में ले लिया, मेरे भवन में ले आ जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर आके बपतिस्मा लेके एप्लीकेशन को भर के दिया हुआ लोगों को पूछना चाहता हूँ, आपका भवन कौन सा? यह है या ब्रदर दिनगर का कलीसिया है, या कनाडा में रामबाबू का कलीसिया है, या पंजाब में उसका कलीसिया है? आपका भवन, आपका भवन यही है। आपका दशमांश इधर ही आना चाहिए, वो आपको सर्विस के रूप में दूसरे किसी को देना ही नहीं, आपको देना है किसी को दे दो, लेकिन दशमांश से अंदर के लिखा के देना, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ये भोजन वस्तु का बात कुछ दिनों के पहले बस निधि ने बोल के हमको अच्छा लगा, बस भोजन वस्तु घर में है करके लिखा है, इसलिए मैंने हर संडे भोजन रखा हुआ है। हम दोनों सुन रहे थे, हमको भी अच्छा लगा, हम लोग भी शुरू किया, उसके बारे में भी कुछ बताने वाला है आपको, ताकि इधर आने वाला आत्मिक भोजन, आत्मिक आहार खाने के बाद थोड़ा भौतिक भोजन भी खा के जाओ, आराम से कर जा सकते हैं। आधा एक घंटा बैठेगा तो कुछ होने वाला है, एक दूसरे को मिलेंगे, इन अनुभव से चलने वाला, उनका गवाहियां, उनके दर्द की बातें सब सुनेंगे, एक दूसरे के साथ एक परिवार बनकर जाने के लिए ये भोजन का प्रबंध कर दिया। दशमांश का भंडार ले जाओ, भवन में भोजन वस्तु मिले, भवन की बात, आपका दशमांश ये पैकेट में डाल के ऑफरिंग बॉक्स में डालना, आपका दशमांश मेरे या राजू के हाथ में जाके ऐसा देगा वो गिरा नहीं जाएगा दशमांश करके, और हम एक महीने के बाद आपसे पर्सनली मिलेंगे, आपका दशमांश देता नहीं है, पूछेगा ये आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आज इसका पढ़ाई पूरा देगा। आप दशमांश देने वाला नहीं है तो आपका जिंदगी से पनवति नहीं निकलेगा, और आप छाने के टाइम क्या बोल के निकलेंगे हमारे में गली से, वो पास्टर लोग अच्छा नहीं है, पिछले चर्च में बहुत अच्छा है, इसलिए कि आप देने वाला नहीं है, इसलिए आपका जिंदगी से बनवती निकलता नहीं, कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की छलोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष का वर्षा, बोलना मेरे पीछे अपरंपार आशीष का वर्षा करता है क्या नहीं, मुझे परख लो। शैतान को भूखे सुनने वाला परमेश्वर को परखना नहीं, इधर परमेश्वर को तंबू में तब तक God wants to show his identity, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, वो मुझे संभालता करके बोलने के लिए आपको हिम्मत होना है, तो आपका दशमांश का कमाई का दशमांश। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, स्कूल कॉलेज में जाने वाला बच्चा एक पैसा डालेगा क्योंकि उनका कोई कमाई है, घर में बैठकर खाना पकाने वाला औरत 8 डालने की जरूरत नहीं, डालना है तो आपका पति से पूछना पड़ेगा। परिसर में चर्च में जाता हूँ, मुझे अच्छा आशीष मिलता है, आप कुछ दे दो मैं उधर डालू करके, वो परमिशन दिया तो वो अगर समझो अविश्वासी है और देता भी नहीं, आप डालो मत, किसी का जबरदस्ती का पैसा को परमेश्वर की कोई जरूरत है ही नहीं, इसलिए आप दिल से देने वाला, आप घर के अंदर से पैसा पति को छुपा के औरत लेकर मत आओ, उनको बता दो इतना इतना आशीष, नहीं तो आपका खुद का कमाई, आप झाड़ू मारने के लिए जाता है, बर्तन मांजने के लिए जाता है, आपको जो मिलता है दे दो, इसी तरह आपका हिस्सा, ताकि घर में अपरंपार आशीष मिले, नहीं तो आप अपरंपार आशीष को रोकने वाले हैं। बड़े बेटा कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, सेनाओं की यहोवा की यही वचन है। मैं तू मुझे देने वाला बनेगा, मेरे बातों को मानने वाला बनेगा, तेरे ऊपर आने वाला विपत्ति को मैं आज्ञा देने वाला बनूंगा, मैं बोलूंगा ये बेटा मेरा आज्ञा पालन कर रहा है, इसके आर्थिक बातों में तो हाथ ना डालना, बनारा को बोलेंगे एक कप घर में जाके खाना, काम मत करो,
बोलो तुम्हारा काम से तृप्त नहीं होएगा और तुम्हारे बारे में तुमको भी बोलेगा सीधा बोलेगा क्योंकि तुम्हारा नाम खराब होना तुम्हारा नाम खराब हो जाए तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। किस तरह परमेश्वर काम करेगा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा फूंकूंगा, गलत व्यक्ति को हमारे अंदर जोड़ने के साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर ने कहा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ इसमें काफी कॉलम लिखे रखा है, टाइट्स स्पेशल ऑफरिंग मिशन वर्क फंड रेजिंग। आप टाइट्स करके लिखे इसमें जितना पैसा डाले साथ साथ दूसरा अपना भोजन के लिए कुछ पैसा डालता है तो मैंने बोला था 20 रुपए की बात है डालते हैं तो अलग अलग लिख के पैसा डालो। टाइट का पैसा मेरे पास आएंगे, हम दोनों के बीच में एक लेन देन का व्यवस्था हम लोग बना के रखा है और बाकी पैसा अपने अपने काम के डिपार्टमेंट में जाए। आप किसी के हाथ पास करके हम दोनों के बाद में आओ, किसी के हाथ पैसा दे मत, एक कवर में डाल के ऑफरिंग बॉक्स में डाले और आप इसमें टिक कर ले जो जो के लिए कितना, मतलब 1000 रुपया आप डाल रहा है 800 रुपये टाइट से 220 रुपया 200 रुपया खाना के लिए फॉर फूड करके लिख के डाल। सिस्टमैटिकली आगे बढ़ना है तो जिंदगी में सिस्टमैटिकली कुछ अरेंजमेंट भी करना है। आगे हमारे एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म देता है उसके अंदर एक क्लॉज ऐड करना है, आप आज से आगे काम करने वाला, आप खुद काम करने वाला है तो आपका कमाई का दशमांश रेगुलरली महीना महीना लाना करके भी फॉर्म अपना फॉर्म में आ जाएगा नंबर से। और पुराना मेरे जैसे लोगों को भी करेक्शन करके साइड करके ले ताकि मैं भी ठोकर लगता हूँ। सबके ऊपर एक फॉर्म मिलने वाला, आपको राइटिंग में कमिटमेंट करना पड़ेगा मैं देने वाला हूँ, फिर आप खेलने वाला है तो हम देखते रहेंगे परमेश्वर आपसे क्या करता है, याद दिलाते रहेंगे लेकिन परमेश्वर की बात। अच्छा, परमेश्वर खुद को परखने के लिए बोलता है, तुम मुझे लूटता है करके बोलता है इतना कंप्लेन बोलने के बाद। नया नियम में क्या बोला है, लूका का 10:7 उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर न फिरना। मेरे पीछे बोलना, मजदूर को उसका मजदूरी मिलना चाहिए। मैं आपसे मेरा मनसाशी के अंदर से पूछता हूँ, मैं और राजू क्या मजदूरी कर रहा है, प्रभु का ही काम कर रहा है। शायद कभी आलसी बनकर बैठा होगा, शायद आप फोन किया उठाया नहीं होगा, शायद आपको उससे कुछ बात भी किया हो, फिर भी हम लोग मजदूरी क्या कर रहा है, प्रभु का ही काम कर रहा है ना। मतलब प्रभु यीशु बोलता है मजदूर मजदूरी मिलना चाहिए मजदूर। नया नियम की बात मैंने आपको बोला, अभी आगे हम देखेंगे कुछ वजन, पर टाइम भी हो गया। पहला कोरिन्थियों 9:7 से थोड़ा आगे बढ़े पढ़िए। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है, कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। क्या मैं ये बातें मनुष्य की से रीति पर बोलता हूँ, क्या अवस्था व्यवस्था क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है हाँ हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोता और दावने वाला भागी होने की आशा से दावता। मैं रुकना बेटा, हम लोग जो काम करता है आप दे ना दे, हम लोग आपको कंप्लेन नहीं बोलेंगे, तुम लोग दिया नहीं है इसलिए मेरा घर में खाना पक्का नहीं करके जिंदगी में एक बार आपको सुनाने से बेहतर मैं मारना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर को बोलेंगे 30 साल का अनुभव मैं आपको बोलता हूं आज तक एक बार बोलने के लिए मुझे अवसर नहीं दिया। बाहर का आपका कैनेडा में रहने वाला एक कलीसिया वाला मेरा रेवलेशन क्लास के लिए बुलाया, पूरा का पूरा करके दे दिया, 36 घंटे में इंग्लिश का बाइबल क्लास ले लिया, 24,000 रुपीज से कितने रूम में भेजा। आज हम लोग इस्तेमाल करने वाला ये मॉर्निंग प्रेयर में सब इस्तेमाल करने वाला वो जूम का पेड वर्जन भी लेके दे दिया। हम अपना काम पे लगे रहेगा, प्रभु को पता है इसको क्या जरूरत है। एक बार उन्होंने वो भाई ने मुझे कनाडा से बोला, अंकल अभी ये सिस्टम सब बदल गया ना इसलिए आपको कितना सूम की जरूरत है, हमारा प्रोग्राम का सूम का सारा लिस्ट मैंने बोला, वो सीधा बोल दिया चिंता मत करो आप इतना करता है तो करते रहो मैं फिर करते रहूंगा। $20 कुछ कैनेडियन डॉलर भी करता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ उसके बाद मलयाली लोग पैसे देने में बहुत ईमानदार होते हैं,
एक मलयालम में एक प्रोग्राम चल रहा था जब 22 घंटे अमेरिका से लोग अटेंड करते थे, वो लोग मेरा वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करके बांटते थे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ एक पैसा वो लोगों ने मुझे नहीं दिया। इसका मतलब मलयाली लोग देने वाला है करके उसके ऊपर मेरा नजर रखना नहीं, कौन देने वाला है किसको देना है कभी देना मैं डिसाइड करूंगा, अगर ऊपर वाला मैं करते रहूंगा। एक पास्टर ने बोला पास्टर आपको एक क्लास अटेंड करना है आपको क्या देना है, मैंने कहा इनमें कुछ है ही नहीं है, आप इतना लोगों को तैयार करो मैं क्लास लेते रहूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मुझे देना दिल में लगता हो तो दे दो उसमें कोई इश्यू है, लेकिन देर सुनो बार के क्योंकि मैं उनका नौकर हूँ आपका नौकर हूँ, ये बात बोल के काम करते रहता हूँ। हमारे लिए कहता है खाना बनाने खेत में काम करने वाला बकरे को काम देते उसको खाना भी उससे देते रहे, इतना मैं पावरपॉइंट में लाया ना एक बजे और बोलते मैं बंद कर देता हूं। पहला तिमोथी 5:18 पढ़िए, बोलो तिमोथी को क्या बोलता है 1 Timothy 5:18, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दामने वाले बैल का मुंह ना बांधना क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मैं नया नहीं मैं पौलुस तिमोथी को बोलता हूँ मजदूर अपना मजदूरी का हकदार है। अगर आप विश्वास करता है कि हम लोग मजदूर है हम दोनों मजदूरी का एक काम कर रहा है विश्वास करता है तो आपको परमेश्वर का दिया हुआ जवाबदारी है आपका कमाई का दशमा हमसे लाके टाइट्स करके नोट करके अमाउंट लिखे एक पॉकेट में डाल के संडे ऊपर में डाल देगा। मैं बोला नहीं करके बोलने का नहीं कोशिश करता आपके पीछे इसके पीछे आपके में कुछ दूसरा बात करने के लिए आने वाला नहीं। मोती और 1 Corinthians 9:7 ऑलरेडी देख चुका है ना, अभी गलतियों का छठवा अध्याय का 6-7 बजे बड़े पढ़ रहे की पत्री 6:6-7 जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे, धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। देखो बराबर बातें क्लियर सिखाया, सिखाने वाले को सीखने वाला मतलब पुराना नियम का सारा फ्रेमवर्क बताने के बाद नया नियम में कैसा लागू होता है करके इतना वचन बोल के आपको बताने के अंदर आप बताओ मैंने कुछ घुमा फिरा के मेरा फायदा के लिए हम दोनों का फायदा के लिए बता दिया तो आप आके मेरे कान की छींक मारो चलेगा। आपको YouTube खोलेगा तो ऐसी ऐसी प्रचारक मिलेंगे वो देना नहीं है और बाद के फाइनली प्रोग्राम होने के बाद मेरा एक प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में इतना कमी करके बोल के बंद करेंगे। इसका मतलब आपका गूगल से थोड़ा इधर प्रोत्साहन दिलाने के लिए बहुत कुछ फायदेमंद हो जाता है। अंतिम दिनों में आया है हम लोग को लड़ना है शैतान और उसकी राज्य से, इसके लिए प्रभु ने बुलाया है। आए आप खड़ा हो जाएंगे अपने आगे बंद रहे परमेश्वर चाहते हैं हम आशीष पाए, मैं आसमान की खिड़कियों को बोलकर तुमको आशीष देगा नहीं क्या करके मुझे परत लो। ये जालन छोड़ लेने वाला मेरे साथ छाती में हाथ रखकर प्रार्थना करें। अब्बा पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप देने वाला है हम आपके बच्चे, आप जो बोला है जो करके दिखाया है वो हम भी देने वाला है, आज तक जो नहीं दिया उसके बारे में पश्चाताप करके अब आपकी ओर आ रहे हैं, हमें मिलने वाला आशीष को हमें रोकना नहीं है। आज तक हमारा कंजूस दिली से जो भी हुआ हमें माफ कर दे, हमें आगे बढ़ा दे, हम बदलने के लिए आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, वो करने के लिए आज सबके सामने एक पुनः प्रतिष्ठा करता हूँ, एक निश्चय लेता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में मैं